के लिए, जो बालक हैं वो भी कृष्ण के सुख के लिए, इनकी गाय भी कन्हैया की गाय के साथ में हमारी गाय भी चरने के लिए जाएंगी, हमारी रक्षा होगी। तो ब्रजवासियों का यद्यपि व्यवहार में स्वतंत्र धन, स्वतंत्र परिवार, स्वतंत्र बालक, स्वतंत्र घर सब कुछ है, परंतु तो अपने लिए नहीं है, वह सब कृष्ण के लिए है। और ये एक रस की रीति भी है कि गृहस्थी घर द्वार जो कुछ भी कर रहा है वो सब काय के लिए, वह कृष्ण सेवा के लिए ही कर रहा है। अतः वैष्णव आचार्यों ने आदेश प्रदान किया कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण सेवा ही निरंतर निरंतर करनी चाहिए। मानसी सा परामता, वो मानसी सेवा ही परा होकर के विराजमान है, वो सेवा कहीं दैहिकी होकर के, कहीं वित्तीया होकर के, कहीं तनुजा होकर के भी विराजमान है, परंतु तनुजा वित्तीया सेवा की भी अपेक्षा जो मानसी सेवा है वही पर होकर के विराजमान, और मानसी सेवा में कृष्ण हित का ध्यान रख रहे हैं। तो तब बालक संग रहता है तस्यो, कृष्ण के साथ में जब बालक खेल रहे हैं, कभी कृष्ण वृंदावन की शोभा देखते देखते आगे बढ़ जाए, सारे सखा कृष्ण को छूने के लिए दौड़े, वो कहे भैया मैंने पहले कन्हैया को छुआ, कोई कहे मैंने छुआ, अब सब कह रहे हैं बोले कन्हैया तू ही बता दे कोई ना कोई पहले छियो। आप सबका मन रखने के लिए कह रहे हैं भैया मैं तो वृंदावन की शोभा देख रहे हो, मुख तो ये लगो कि सामने एक संग मोई छियो, ऐसे सबका मन रख देते। तो अमुम क्षण अपि अदृष्ट्वा दूरे गतम, कृष्ण जब दूर चले गए हैं तो कौतुक कदाचित आर्ता, आर्त होकर के रमन्ते त्वरया स्पृशन्तः, दौड़ करके कृष्ण को छूते हुए वे रमण कर रहे हैं, कृष्ण से लिपट जाते हैं, ऐसा इन पालकों का भी कृष्ण में प्रेम है। और इनमें राधा व्यास्ता परम भगवत त्यस्तु तत्यात्मजादीन लोकान धर्मान ह्रियम परित्यज्य भावं तमाप्ता, श्री राधिका इत्यादि श्री नुकुंजेश्वरी श्री रासेश्वरी विश्वानंदिनी श्री श्यामा भामा किशोरी जी उनकी महिमा का तो क्या निरूपण किया जाए। श्री स्वामी राधिका राधा द्यास्ता परम भगवती, ये परम भगवती होकर के ही विराजमान, कृष्ण से अभिन्न होकर के विराजमान है, ये पतिमंदी गोप आत्मज बंधु बांधव सबका त्याग करके, श्रीमद भागवत की पद्धति जैसी है कि ताबारे माना पति रात बंधु भी, तो पति पुत्र इत्यादि, पुत्र माने पुत्र नहीं, पुत्र बत पालित घर के बछड़ा हरिण सस्सा जिनको पुत्रवत स्नेह करती है वे ही पुत्र है, इनके पुत्र नहीं है। ये तो कभी भी पतिमंद गोपों का स्पर्श नहीं है और ये अप्रसूत का होकर के विराजमान है, इनका प्रसव नहीं है इन गोपिकाओं में, कभी भी किसी में भी इनका रूप भी वर्णन किया गया के अप्रसूत का होकर के ये विराजमान है। तो ये पति आत्मज इत्यादि इन सबों का लोकान धर्मान ह्रियम अपि लोक धर्म लज्जा तक का परित्याग करके भावं तमाप्ता भाव धारण करके कृष्ण को प्राप्त हुई, ऐसी श्री विश्वानंदिनी रासेश्वरी नुकुंजेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री श्यामा जी उनकी जो महिमा वो अपूर्व होकर के स्वामिनी की महिमा नुकुंजेश्वरी की विराजमान है। येना जस्रम मधुप कटकई व्यापलास्तक विकारी, उस प्रेम के कारण, अब वो प्रेम कैसा है मधुर कटकई, कभी विरह में कटु होकर के और मिलन में परम मधुर होकर के जो प्रेम विराजमान है, ऐसे अजस्रम मधुर कटकई निरंतर निरंतर अजस्मंद निरंतर मधुर कटक माने मीठे और कड़वे, विरह और मिलन दोनों के द्वारा व्यापलास्तक विकारी, मिलन के विकार से भी व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के और विरह के विकार में भी व्याकुल होकर के ये गोपिकागण विराजमान हैं, मुग्धा एकदम मोहित होकर के विराजमान हैं, किंचित तरुगति गमिता
और ये जड़ता की अवस्था को प्राप्त करके गोपियां विराजमान हैं। नाम संधात मीशा, ये श्री कृष्ण का संधान कर सकने में भी समर्थ नहीं हो पाती हैं। नाम संधात मीशा अपने अन्न का भी होश नहीं है, जिनको अपने वस्त्रों का भी होश नहीं रहता, मिलन में भी और विरह में भी कह करके मूर्छित होकर के गिर जाती है। आगे वो प्रसंग आएगा, कोई रास का प्रसंग आगे वर्णन कर रहे हैं, रासलीला का ही वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के उस वेणुनाथ का क्या वर्णन किया जाए, जो वेणु वेणु होकर के ही विराजमान। वेणु में बा ई और नु तीन शब्द हैं। बा का तात्पर्य है ब्रह्म सुख, ई का तात्पर्य है भोग सुख, और ऋ का तात्पर्य है नाश करने वाला। ब्रह्म सुखम और ई माने भोग सुखम, ऋणति सा वेणु, जो ब्रह्म सुख को भी तुच्छ कर दे। श्री भद्राचार्य जी वेणु गीत में यही व्याख्या करते हैं कि वेणु का अर्थ ही है रंधान वेणु रसदया। इसकी टीका में श्री आचार्य चरण ऊपर कर रहे हैं कि बकार और इकार अर्थात ब्रह्म सुख और भोग सुख, इन दोनों को ही जो तुच्छ करके रखते, ऐसी उस वस्तु का नाम है वेणु। ऐसी वो वेणु जो है, तो वो वेणु उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। अब वेणु की महिमा का गायन कर रहे हैं कि आश्चर्यम गई। आश्चर्य की बात यह है कि पशुआना बुद्धिहीनत्व मापता, वे वृंदावन के पशुवन ये भी अपने स्वभाव को छोड़ करके बुद्धिहीन हो जाते हैं। गावो कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्णपुतैः पिबन्त्यः। गाय कृष्ण के वेणु गीत को सुनकर के ऊंचे कामों को करके कामों के ओक से श्री वेणुनाद रूपी अमृत का पान करती हैं। क्यों उच्च काम को ऊंचा क्यों कर रखा है, बोले नीचे किया जाएगा तो रस बह जाएगा, इसलिए ओक जब भी लगाया जाता है तो ऊंचा लगाया जाता है जिससे पूरा रस का पान किया जाए। तो उत्तम हित कर्ण पुटही पिबन्त्यः, ऊंचे जो काम है उनके द्वारा पान कर रही है। कर्ण पुटही कहकर के दिखाया कि दो काम नहीं है, इनके रोम रोम काम बन गए। भद्रम कर्णे भी शूनयाम देवाहा, कर्णाभ्याम नहीं कहा, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। कर्णे भी मन रोम रोम कान बन करके विराजमान हैं, रोम रोम आंख बन करके कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। भद्रम पश्यमो अक्ष भी, अक्षभ्याम नहीं कहा, द्विवचन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं कि नेत्रों से उनका पान करते हुए ये विराजमान हो रही हैं ये गाय। तो गावो इन गैयाओं की महिमा का क्या निरूपण किया जाए। तो गावो है कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, कृष्ण के मुख से निकसने वाला जो वेणु गीत है उस पीयूष का उस अमृत का उत्तमित कर्ण कुटही पिबन्त्यः, ऊंचे कान से पान कर रही हैं। शावा स्मृत स्तन पर कमला, नीचे बछड़ा लगा हुआ है परंतु बछड़े के प्रेम के कारण ये दूध नहीं पसरा रही है। कृष्ण के प्रेम के कारण जो ग्वालिया है उसके प्रेम के कारण इनके स्तनों में से दूध निकल रहा है, और बछड़ा इतना दूध इतनी तेजी से निकल रहा है कि बछड़ा दूध को पी नहीं सकता है। दूध का प्रवाह तेज है, बछड़े में पान करने की सामर्थ्य कम है, इसलिए बछड़ा हुच्च हुच्च करके हुच्चू लग रहा है और उसके मुख में कुछ दूध जा रहा है, कुछ दूध उसकी सिकड़ियों से बछड़े के दोनों जो छोर हैं उन छोरों से दूध की धारा नीचे गिर रही है। सो शावा माने बछड़े, स्नुत स्तन पय कबला, जो कबल है दूध का उसको पान नहीं कर पा रहा है, गटक नहीं पा रहा है उस ऊंट को, बल्कि वह दूध नीचे बहता हुआ चला जा रहा है। तस्थु गोविंद महात्मन दिशाश्रु स्पृशंत, आज गोविंद का अपने कंखियों से वो गाय
दर्शन करती हुई विराजमान हो रही है, पछड़े को नहीं देख रही है, वो जो कुछ भी देख रही है वो गोविंद का दर्शन, उस ग्वालिया का दर्शन करती हुई विराजमान है। वो जो गौना है वो पछड़े को बांधने के काम में आएगा, गाय को बांधने के काम में नहीं आएगा। गाय के आगे की जंघा से बछड़े को उस लोमना से बांधा जाएगा। गाय तो कृष्ण में परम प्रेम करने वाली, वह तो अपने दूध को कृष्ण को ही पान कराने वाली है, परंतु कृष्ण लोमना से युक्त होकर के आए हैं। क्यों? कोई ग्वालिया गाय बात का लोमना नहीं हो तो श्रृंगार तो पूरा होना चाहिए, इसलिए श्रृंगार पूरा धारण करके कृष्ण विराजमान। सो गावो बत्सा गैया बछड़ाओं की वो बेरू, तो आश्चर्य में श्रोत पशुगणा बुद्धिहीनत्व मापता। बोले श्री कृष्ण की बेणुनाद को सुनकर के पशुगण बुद्धिहीन हो गए हैं। कौन कौन पशुगण? बोल गावा बत्सा, फिर कृष्ण बन मृगा, जितने भी पैर वे भी चढ़ होकर के विराजमान। नई जी की गोपियों के बीच में श्याम सुंदर का परम सुंदर जो पद्मगंध नाम करके बैल, सफेद रंग का जिसका ऊंचा आकार चौड़ा कंधा, जिसका ताट बड़ा ऊंचा, जिसके सींग आधे आधे सोने से मढ़े हुए हैं, उनके ऊपर सुंदर घुंघरू बंधे हुए हैं, चरणों में जिसने बड़ी सुंदर झाझर जिस बैल के चरणों में पर बधी हुई है, जिसका चौड़ा वक्षस्थल, जिसकी लंबी पूंछ धरती को छूती हुई चली जा रही है, जिसकी पीली पीली आंखें हैं, परंतु वो बैल आज कृष्ण के बैलनाद को सुनकर के स्तंभित होकर के विराजमान। वासुदेव नहीं चुकी उनके पास में विराजमान है, परंतु उनकी ओर वो जरा भी आकर्षित नहीं है, केवल वेणुनाद के प्रति ही वो आकर्षित है। तो गावो विषाद वृष, गावो बत्सा वृष, फिर वन मृगा, वन के जितने भी मृग हैं उनका क्या कहना? धन्य आत्म मूल मतियोग हिरण्येता। आज ये मृगीगण परम परम धन्य होकर के विराजमान हैं, जो श्री आश्रित्य तत्पर्णित वेणु विचित्र गीतन श्री श्याम सुंदर के वेणु गीत को अपूर्व रूप से सुन रही हैं, ये हरिणीगण। और ये पूजां दधुर विरचितां प्रणयावलोकय, श्री श्याम सुंदर का प्रणय पूर्वक अवलोकन करते हुए श्री मृगीगण अपने सह कृष्ण सारा, कृष्ण सार मृगों को साथ में लेकर के कृष्ण का पूजन करती हुई विराजमान है। आहा, वो प्रकार कह रही हैं कि ये मृगी ही वास्तव में कृष्ण सारा है, हम अकृष्ण सारा ही है, अर्थात हमारे पास में कृष्ण का बल नहीं है, इन मृगियों के पास में ही कृष्ण के प्रेम का बल है। सो धन्यास्म मूल मते हो, ये मृगी धन्य है, अपने आप व्यंजना निकल रही है कि वयं तो अधन्य। आहा, हमारे ऐसे सौभाग्य कहा कि हम पतिमंद गोपों को साथ में लेकर के कृष्ण की पूजा कर सके, पर इन मृगियों का सौभाग्य देखो कि इनका नाम भी कृष्ण सार, इनके पति भी कृष्ण सार, और ये पतिमंद गोपों को पति मंद अपने हरणों को साथ में लेकर के, अपने पतियों को साथ में लेकर के कृष्ण की पूजा करती हैं, इनके पति उसमें कहीं विपत्ति कोई बाधा नहीं करते हैं, बल्कि इनके सहायक होकर के विराजमान हैं, और ये कृष्ण की सेवा करते हुए पूजां दधुर विरचितां प्रणयावलोकय, कटाक्ष पूर्वक प्यारे का दर्शन करते हुए ये कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान, ये धन्य है, धन्य है। सो गावो वृषा वत्सा वृष वन मृगा पक्षिण, आहा वृंदावन के पक्षियों की महिमा का क्या वर्णन किया जाए? प्रायो बतांब बेहरा मुनियो बते स्मिन, ये अम्ब शब्द ये प्रमुदाओं का आश्चर्य में बोलना है। कोई माँ ऐसा कहकर के अम्ब, कोई माँ
देख तो सही ये आश्चर्य में अम्ब शब्द ये प्रणवाओं की बोली का एक भाग है, उनका बोली की शैली है। कह रही है कोई माँ देख तो सही ये पक्षी, हमको तो ये लगता है कि ये पक्षी पूर्व जन्म में कोई ऋषि ही रहे होंगे जो संकारिक जो नव योगेश्वर वो ही मालूम होता है। इस वृंदावन में ऋषि बनकर के पधारे, ऋषि बनकर के विराजमान हुए हैं, प्राय वो बतांब बेहगा। ये बेहद जो कि वी माने आकाश व्यापक, उसमें निरंतर निरंतर गमन करने वाले होकर के विराजमान जो व्यापक नित्य पदार्थ है उसमें जो विचरण करने वाले होकर के विराजमान, माना सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम खलिलम ब्रह्म हो, परंतु जो द्वैत दिख रहा है वह द्वैत ज्ञानी ये कहेंगे केवला द्वैती कि वह अध्यास के कारण द्वैत दिख रहा है। वैष्णव ये कहेंगे कि अध्यास के कारण नहीं है, वह माया शक्ति के परिणाम के कारण द्वैत दिख रहा है। परंतु चाहे अध्यास के कारण द्वैत हो चाहे परिणाम के कारण द्वैत हो, जो द्वैत है वह सर्वदा आदि और अंत से युक्त है। कहीं भ्रम भी उत्पन्न हुआ और भ्रम ऐसे समाप्त होगा। यदि सृष्टि भी हुई, कार्यकोटि का भी जगत है, तो कार्यकोटि का जगत कभी उत्पन्न हुआ और कभी उसका लय भी होगा। तो जो वस्तु आदि और अंत से युक्त है वह कभी उपास्य नहीं हो सकती है। उपास्य होगी वो वस्तु जो कि सर्वदा स्थायी होकर के विराजमान। इसलिए माना सर्वम खलिलम ब्रह्म, परंतु ब्रह्म में जो अंश आदि अंत से युक्त है वह उपास्य नहीं है। जगत क्योंकि आदि अंत से युक्त है इसलिए जगत उपास्य नहीं हो सकता। तो चलो जगत को जाने दो, जीव तो उपास्य है, वो तो चेतन है, वो तो जड़ नहीं है, जीव को उपास्य मान लो। जीव को भी उपास्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि जीव ईश्वर तो है परंतु वह सीमित ईश्वर है। जीव एक देह का स्वामी हो सकता है, वह एक दैहिक वस्तु का स्वामी हो सकता है। मैं अपनी बगलबंदी का, अपने दुपट्टे का मैं मालिक हूं, परंतु आपके दुपट्टे का मालिक नहीं हो सकता। इसलिए मेरी जो ईश्वरता है वो भी सीमित है। मेरा जो शासकत्व है वह भी सीमित है। तो जीव का जो शासकत्व है वो सीमित है, इसलिए सीमित होने के कारण जीव भी उपास्य नहीं। जगत जड़ है इसलिए उपास्य नहीं। जगत आदि और अंत इन दोनों से युक्त है इसलिए जगत उपास्य नहीं। ईश्वरी उपास्य होगा क्योंकि वह आदि अंत से रहित है और वह चेतन है। जीव चेतन तो है परंतु वह अनुचेतन है, विभू चेतन नहीं है। ऐसी स्थिति में जीव भी उपास्य नहीं है। उपास्य होगा कौन? बोले ब्रह्म ही परम परम उपास्य होकर के विराजमान होगा। वो ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही। तो ये जो ज्ञानी है ये बेहद होकर के विराजमान मालूम होता है कि प्राय वो बतांब बेगा हुई माँ ये पक्षी नहीं है, ये तो वो ज्ञानी है जो जड़ और जीव इन दोनों का त्याग करके ब्रह्म की उपासना करने वाले पूर्व जन्म में रहे और उन्हीं संस्कारों के कारण अभी भी देखो कि ये वृक्ष के ऊपर बैठ करके कैसी आंख बंद करके श्याम सुंदर के उस अक्षर ब्रह्म का वेणु नाद का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। प्रायो बिताम वेगा मुनियो बने स्मिन कृष्णे क्षेत्रम, जो आज कृष्ण के द्वारा देखे गए तब वेणु गीतम सुंदर जो वेणु गीत है उसका दर्शन कर रहे हैं। और आज ये धुमरुजान रुचर प्रवाला बैठे जिस समय थे उस समय केवल ठूंठ था, किसी ठूंठ के ऊपर बैठे थे, परंतु श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनते ही उस ठूंठ में भी एकाएक रुचिरक प्रवाला सुंदर पत्ते उत्पन्न हो गए। लीला शक्ति ने मन में विचार किया कि कहीं मूर्छित होकर के ये पक्षी गिरते नहीं है, परंतु कहीं
समाधि में ये गिरे तो कहीं इनके चोट नहीं लग जाए, इसलिए लीला शक्ति ने इन ज्ञानियों के इन रसकों के जो रसिक से ज्ञानी ज्ञानी से रसिक हो गए हैं, ऐसे इन वृक्षों की इन पक्षियों की सेवा करने के लिए सुंदर नए पत्तों का गद्दा तैयार कर दिया है कि मूर्छित होकर के गिरे तो वहीं गिर जाए, कहीं धरती में नहीं गिरे। सो अब ये द्रुभुजान वृक्ष की शाखा पर चढ़ करके रुचिर प्रवालान जिनमें सुंदर पत्ते आ गए हैं, ऐसे उन प्रवालों के सहारे शुनमंत मीनत दशा आंख बंद करके ये उस पेड़ नाद को हृदय में श्रवण कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि अनहत नाद में जो स्वाद था उससे भी कहीं बढ़कर के ये पेड़ नाद में अपूर्व स्वाद आ रहा है। अनहत चक्र में जब कुंडली जागृत होकर के पहुंची उस समय जो स्वाद आया उसकी भी अपेक्षा ये जो स्वाद है ये कोई अद्भुत होकर के विराजमान है। तो श्रीमंत विगतान निवाचः अन्य कोई भी बोली ये पक्षी नहीं बोल रहे हैं। उस समय श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनकर के कोई अद्भुत स्वर का प्रयोग जब श्याम सुंदर करते हैं उस समय ठीक समय पर अहो अहो कहकर के प्रशंसा करते हैं, अलग पता लग जाए कि कौन संगीत का जानकार है कौन नहीं है। जो दूसरे को देख करके ताली बजाए इसका मतलब वो संगीत का जानकार नहीं है, जो जानकार है वो ठीक जगह पर वाह वाह करेगा, गलत जगह पर वाह वाह कर दे तो इसका मतलब है पता लग जाता है अलग कि ये संगीत में कुछ नहीं जानता है, केवल देख करके ताली बजा रहा है भीड़ को देख करके। तो भीतान ने वाचा ठीक समय पर ये कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, जिस समय श्री श्याम सुंदर मूर्छना के लिए एक स्वर से दूसरे स्वर में जाने के लिए रुकते हैं और वो जो अवकाश का समय है उस अवकाश के समय ये ताल उस समय जय हो कहकर के श्री कृष्ण की ठीक समय पर प्रशंसा करते हुए विराजमान होते हैं। विक्तान निवाच बोली भी किसी और तरह की नहीं, राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कहकर के कृष्ण कृष्ण कहकर के ही ये विक्तान निवाच अन्य वाणी को छोड़ करके कृष्ण नाम लेते हुए प्रशंसा करते हैं। तो श्री श्याम सुंदर की गावो बत्सा पुष्य पन मृगा पक्षरो वृक्ष वासा जो कि वृक्ष के ऊपर निवास कर रहे हैं, दूरे क्रीड़ारत जल खगा श्री वे पक्षी जो कि दूर जल में क्रीड़ा करते हुए हैं वे भी श्री श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुनकर के आज विराजमान होते हैं और स्थावरा ज्ञान शून्य उस समय दूरे क्रीड़ारत जल खगा श्री श्याम सुंदर उन वेणुनाथ के द्वारा ये खग भी खींचे हुए चले आते हैं, स्थावर जो ज्ञान शून्य है वे भी आज रोमांचित होकर के श्याम सुंदर के वेणुनाथ का दर्शन करते हैं। नद्यो मेघा अपि निज निजम तत्जस्तम स्वभावम श्रीमद बल्लभाचार्य ने निरूपण किया कि श्री वेणु गीत के 13 श्लोकों में श्री ब्रज गोपिकागणों ने श्याम सुंदर की त्रयोदश लीलाओं का 13 लीलाओं का वर्णन किया और वहां इनमें एक लीला है इन पक्षियों को आकर्षित करने की, फिर एक लीला वर्णन कर रहे हैं उन्हीं 13 व्यक्ति कौन कौन विमोहित हो रहे हैं उनका वर्णन किया 13 श्लोक में और 13 श्लोकों में श्री कृष्ण की 13 लीलाओं का वर्णन किया गया। उसको कह रहे हैं नद्यो मेघा नदी वे भी मोहित हो जाती है। कभी श्री यमुना जी श्री प्रातः काल के समय स्रोत पक्षा श्री स्वामी जी के पास में आप मिलने के लिए पढ़ा रही हैं और श्री स्वामी उनकी स्रोत पक्षा होकर के स्वामी के साथ में उनके अनुभवों को बांट रही हैं, शेयर कर रही हैं और श्री स्वामी वर्णन करते करते प्रेम में विफल हो जाए श्री यमुना जी का आगमन करके करें कहें बोले अरे यमुना तेरा स्वरूप तो श्री श्याम सुंदर से
अत्यंत उन्हार मिलती है, आ मैं तुझे श्याम सुंदर का श्रृंगार धारण करा करके प्यारे की रूप माधुरी का तुझमें ही दर्शन करूं, ऐसे विचार करके श्री स्वामी ने अपने हाथ से श्याम सुंदर के ही श्रृंगार से श्री स्वामी को, श्री यमुना जी को अपूर्व रूप से सजाया। कवि प्रेम विलास विवर्त में श्याम सुंदर ने अपना श्रृंगार श्री प्रिया जी को प्रदान किया, प्रिया जी का श्रृंगार स्वयं धारण करके विराजमान हुए। आज प्रिया के पास में वो ही श्रृंगार विराजमान था, उसी श्रृंगार से श्री श्याम सुंदर के श्रृंगार से ही श्री विश्वानंदनी ने, श्री स्वामी ने श्री यमुना जी को सजाया और यमुना जी को सजा करके प्रेम में विफल हो रही है। वैसा ही मुकुट, वैसी ही अंगकांति, वैसे ही कमल, वैसी ही तलक, वैसी ही बनमाला, वैसी ही छड़ी, वैसी ही अपूर्व रूप से शोभा बंशी शोभा को प्राप्त हो रही है, उसका दर्शन करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रही है। और इतने में ही श्री श्याम सुंदर अपनी गैयाओं को एकत्रित करने के लिए, हे यमुने, हे गंगे, हे सरस्वती, हे नर्मदे, आप तो अपनी गैयाओं का नाम ले रहे हैं। और श्री यमुना जी को यह लगा कि मेरा नाम लिया जा रहा है, तो नद्यः मेघा अपि निस्तदं नद्यस्तदा तदुद्धारे मुकुंद की मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। उस समय आलिंगन स्थगित उन्मुखैर्न मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा नद्यस्तदा तदुद्धारे। नद्यः कहकर के ब्रज में तीन नदी तो साक्षात रूप से विराजमान, श्री मानसी गंगा, श्री यमुना और श्री सरस्वती कुंड में सरस्वती जी, ये तीन तो मुख्य रूप से ही विराजमान। और पावन सरोवर आदि में जितनी भी अन्य नदी वे भी मूर्तिमान विराजमान होकर के सारे तीर्थ विराजमान, गंगोत्री यमुनोत्री ब्रज में तो 84 कोस में तो सारे तीर्थ विराजमान है। तो नद्यः जितने भी तीर्थ हैं वे सब श्री यमुना जी के यूथ में अनुगत होकर के श्री गंगा प्रभृति वे भी श्री श्याम सुंदर के पास में जिस समय श्री यमुना अभिसार करती हैं, आज तुर्य प्रिया श्याम सुंदर के पास में जब अभिसार करती हैं, हाथ में गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा कमल छड़ी लेकर के श्री गोपाल को समर्पित करती हुई, कमल माल हाथ में लेकर के श्री गोपाल के श्री कंठ में माला को धारण कराती हुई जब श्री यमुना जी आप पढ़ाती हैं, उस समय कृष्ण का आलिंगन करती हुई मानो वे विराजमान होती हैं। नद्यः मेघा मेघ भी दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपी, श्री श्याम सुंदर से सारे सखा कह रहे हैं भैया क्वार बाड़े की बड़ी तेज, आज तो कम का है, बड़ी तेज धूप तावो बड़ा भारी। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं भैया ज्यादा धूप लग रही है का, भैया आज तो बहुत तेज चिलता है, बहुत तेज तावड़ो है। श्री श्याम सुंदर कह रहे बोल भैया चिंता मत करो, अभी छत्ता बनाऊ लाऊ, ऐसा कहकर के आपने अपनी फेंट से वंशी निकाली और कह रहे भैया अभी मैं रात गाऊ परंतु कौन सो स्वर पकड़ू, इतने में कोई भोरा गुन 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 करते हुए आए। श्याम सुंदर कह रहे भैया मिल गया तानपुरा स्वर, और भैया भ्रमर जो है उनके स्वर को ही पकड़ करके आपने जो मल्लार राग गायन किया स्वयं आकाश में मेघ उपस्थित हो जाए। सो मेघा दृष्ट्वा तपे ब्रज पशु, आतप में ब्रज के पशुओं को व्याकुल देख करके सह राम गोपी श्री बलदाऊ की गोपों के साथ में सबको व्याकुल देकर के श्री श्याम सुंदर ने जो मधुर राग गाया, उस समय प्रेम प्रबुद्ध उदित कुसुमावली भी सक्षम व्यधात स्वबपुषाम्बुद आतपत्रम, उस समय जो अम्बुज है अम्बुद है मेघ उसने आतपत्रम छत्ता बन करके श्री कृष्ण के ऊपर अपनी शोभा को फैलाया। स्वबपुषाम्बुद आतपत्रम अपने बपुष अपने श्रीअंग से ही कृष्ण के ऊपर छाया करते हुए ये मेघ छत्ता बन करके विराजमान, केवल कृष्ण के ऊपर ही नहीं सारे सखाओं के ऊपर भी और कैयाओं के ऊपर भी छत्ता लग गया। सब कह रहे हैं भैया
आज तो तेने गजब गजाई बजाई बंशी, देख कैसी धूप पड़ रही, कैसो चिलकाओ पंत तेरे बंशी बजा गई, सबरी धूप कैसी शांति आ गई, कैसी फुहार आ रही है। सो आज ये मेघ उस समय कहीं पुष्प वृष्टि करते हुए, पुष्प वृष्टि माने जल की फुहार की वृष्टि करते हुए उस समय विराजमान हो रहे हैं। अश्वभुद आत्मपत्रम, जो आत्मपत्र में छाया जो है उनको कह रहे हैं। सो दृष्ट्वा तपे ब्री पशु राम गोपी आश्रित तत्कोणित वेणु विचित्र गीतम प्रेम प्रवृद्ध उदिता कुसुमावली की, कुसुमावली जो है उनको बरसाते हुए। अब सखा है तो सखा का वेश एक सा होता है, भाव एक सा होता है, जैसे श्री श्याम सुंदर घनश्याम ऐसे मेघ भी घनश्याम होकर के विराजमान। श्याम सुंदर ने जैसे पीता में धारण कर रखा है ऐसे मेघ में भी सुंदर बिजली शोभा को प्राप्त हो रही है। जैसे श्याम सुंदर ने वनमाला धारण कर रखी है ऐसे इन मेघों में भी सुंदर इंद्रधनुष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे श्याम सुंदर उनमें अपूर्व से मेघ में श्याम सुंदर की दंतावली शोभा को प्राप्त हो रही है, मोतियों की माला शोभा को प्राप्त हो रही है, कुंडल की चिलक प्राप्त हो रही है, ऐसे मेघ में भी अपूर्व से जो बगुलाओं की पंक्ति है बक पंक्ति वो अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है। तो सखा का वेश भी एक सा, सखा की क्रिया भी एक सी, सखा का भाव भी एक सा। सो ये मेघ कृष्ण सभी के सखा के भाव वेश को धारण करके स्वपकुशाम्बुद आत्मपत्रम अपने श्रीअंग से कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। पूरे वेणु गीत को श्री सनातन गोस्वामी जी ने एक श्लोक में गूंथ दिया। वो 13 जो लीलाएं हैं वो 13 लीलाओं का वहां पर एक एक श्लोक में एक एक लीला का गायन किया गया था। यहाँ पर उन 13 लीलाओं में से अधिकांश लीला करके 8-9 लीलाओं का एक श्लोक में ही कहीं संकलन हो गया है कि आश्चर्य वैष्णो तो आश्चर्य वैष्णो पशुवना बुद्धिहीनास्तमाप्ता गावो वत्सा वृष वन मृगा पक्षिण वृक्षवासा धूले क्रीड़ा रत्न जल खगा स्थावर ज्ञान शून्य नद्यो मेघा अब निज निदम तत्ज स्वम स्वभावम। इन्होंने अपने अपने जो स्वभाव है उस स्वभाव का त्याग कर दिया। वास्तव में बृहद्भागवतामृत है, संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सारे प्रसंगों को बड़े कलात्मक रूप में यहाँ पर पुनः प्रस्तुत, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इतना अद्भुत है कि बस उनकी पुनः प्रस्तुति वो अद्भुत होकर के विराजमान है। और अंत में कह रहे हैं कि गा गोप कई अनुवनम चर